तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल तवा रियल एस्टेट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता चल चुका होगा, लेकिन दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और जो भी जानकारी देता हूँ मैं बिल्कुल सटीक देता हूँ, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं DFCCIL न्यू वैकेंसी 2021 की। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी समय से आप कमेंट भी कर रहे थे, पहले तो खबरें आई थी कि कैप्टन को कैप्टन की DFC में वैकेंसी आने उसके बारे में आप पूछ रहे थे, लेकिन DFCC ने दोस्तों सडनली एक वैकेंसी निकाल दी है। और दोस्तों इसका नोटिफिकेशन और इसके बारे में जो पोस्टें हैं दोस्तों वो हैं जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड तीन पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली है दोस्तों। और इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पोस्टें हैं, लगभग 1000 प्लस पोस्टें हैं दोस्तों तीनों को मिला के दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सब कुछ दोस्तों, नोटिफिकेशन के माध्यम से जानेंगे ए टू जेड जानकारी दोस्तों। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए यूज़र हैं, तो DFCCIL से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आपके मन में कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपके सारे डाउट कमेंट में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम जानते हैं दोस्तों क्या क्या रहेगी योग्यता और कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। दोस्तों जैसे कि आज आपको पता होगा 24 तारीख है और दोस्तों इसके फॉर्म भरना आज ही से स्टार्ट होने हैं, 24 से 23/5/2021 इसकी लास्ट डेट। तो दोस्तों यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और यदि आपने ITI कर रखी है तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिए। और दोस्तों सबसे सुनहरा मौका है, DFC इससे अच्छा मौका कभी नहीं देगी दोस्तों अब मेरे हिसाब से आगे लाइव में। दोस्तों कोरोना का टाइम चल रहा है, आपने काफ़ी स्टडी कर रखी होगी, दोस्तों इस स्टडी को कंटिन्यू करके रखिए और दोस्तों इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। दोस्तों मेरा मानना है कि यदि दोस्तों आप इसमें अच्छी तैयारी करते हैं तो आप यानी यदि ITI कर रखी है कुछ रिलेटेड ट्रेडों से तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। दोस्तों यहाँ पे आयु की बात कर लें तो आयु मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, 18 से 30 वर्ष की आयु रखी गई। SC ST और OBC के लिए एज रिलैक्सेशन है, 1000 प्लस पोस्टें हैं दोस्तों। योग्यता में ITI मांगी है गई है, कुछ पोस्टों में इंजीनियरिंग मांगी गई है और कुछ पोस्टों में डिप्लोमा मांगा गया है। चलिए वीडियो में जानते हैं कैसे नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं क्या है जानकारी और कितना क्या रहेगा इसमें। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली जाना होगा गूगल क्रोम ब्राउजर में और इस पर सिंपली आपको टाइप करना होगा www.thevirlstudy.com। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे www.thevirlstudy.com, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। दोस्तों क्लिक करने के बाद एक इस टाइप का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली हमारी ये साइड है, इस पे दोस्तों इस पे आपको संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल और आसान भाषा में मिल जाएगी। दोस्तों आपको सिंपली इसकी पहली पोस्ट ओपन करना है, DFCCIL न्यू वैकेंसी 2021 जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव जॉब DFC न्यू जॉब, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये माफ़ कीजिए थोड़ा सा ऐड खुल के इसको कैंसिल कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये DFCCIL का ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए जान लेते हैं विस्तार में क्या है जानकारी। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों 23/4/2021 को, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने दोस्तों 24/4/2021 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने हैं, मतलब आज से फॉर्म फिल भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है दोस्तों 23/5/2021 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, मतलब आपको एक महीने का टाइम मिलेगा। एडमिट कार्ड जल्द ही आएंगे। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट दे रखी है जून 2021 इसकी टेंटेटिव डेट दे रखी है। यदि कोरोना सही से कंट्रोल हो जाता है तो आई होप ये एग्ज़ाम जून 2021 में हो जाएगा। और आपकी जो दोस्तों पिछली वैकेंसी थी वो काफ़ी लेट हो गई, लेकिन दोस्तों इस बार की वैकेंसी आपकी लेट नहीं होने वाली, मेरे हिसाब से दिसंबर लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग तक कंप्लीट करा देगा DFC। फिलहाल इसमें दोस्तों जो CBT होना है दोस्तों वो 2 घंटे का रहेगा, मैंने यही कवर कर दिया। आपके मन में यदि कोई डाउट हो तो मैं जितना कवर करने की कोशिश की है, मैंने दोस्तों बहुत सारा कवर करने की कोशिश की है यहाँ पर। बहुत दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, मतलब आपके 4 गलत उत्तर हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें CBT देने से पहले। और दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो जूनियर मैनेजर के लिए जो फीस रखी गई है, जनरल OBC और EWS के लिए 1000 रुपये रखी गई है, साथ ही SC ST और PWD कैटेगरी के लिए बिल्कुल फॉर्म फ्री है। तो दोस्तों SC ST और PWD वाले जरूर इस फॉर्म को फिल करें। दोस्तों एज लिमिट की बात कर लें तो जूनियर मैनेजर में यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है वो दी गई दोस्तों 18 से 27 वर्ष। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन OBC नॉन क्रिमिनल को मिल जाएगा 3 वर्ष का,
SC ST वालों को 5 वर्ष का, PWD कैटेगरी वालों को 10 वर्ष का, और दोस्तों DFC के रेगुलर एम्प्लॉय को यहाँ पे 8 वर्ष की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। जूनियर मैनेजर के लिए दिया फॉर्म भरना बात चाहते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले CVT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और दोस्तों इसमें इंटरव्यू होना है। सिर्फ ये इंटरव्यू इसी पोस्ट के लिए है दोस्तों, और इसके बाद आपका मेडिकल होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव की दोस्तों। एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर OBC जनरल और EWS कैटेगरी के लिए फीस रखी गई है 900 रुपये। SC ST PWD के लिए वही कोई फीस नहीं रखी गई। एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पे 18 से 30 वर्ष वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन वही है दोस्तों, OBC के लिए 3 वर्ष का, SC ST के लिए 5 वर्ष का, PWD कैटेगरी वालों के लिए 10 वर्ष का, और DFC रेगुलर एम्प्लॉय के लिए 8 वर्ष का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो दोस्तों इसमें CVT होना है, और CBAT ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव OP&BD। एग्जीक्यूटिव OP&BD के लिए CBAT एप्टीट्यूड टेस्ट एक आपका एक्स्ट्रा होगा यदि आप OP&BD से फॉर्म भरते हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। आई होप मैं जो जानकारी दे रहा हूँ आप सभी को समझ में आ रही होगी। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि जानकारी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद में मैं कंटिन्यू वीडियो लेकर आते रहूँगा, आपके जो भी कमेंट रहेंगे उस पर बेस्ड वीडियो लेकर आता रहूँगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो DFCCIL से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुरानी यदि आप DFCCIL के बारे में नहीं जानते तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको DFCCIL के बारे में A to Z जानकारी मिल जाएगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात कर लें तो यहाँ पे OBC जनरल EWS 700 रुपये लगने हैं, SC ST PWD फ्री रहेगा। एज लिमिट की बात कर लें तो वही है दोस्तों, 18 से 30 वर्ष। OBC के लिए 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, SC ST 5 वर्ष के लिए, PWD 10 वर्ष के लिए, DFC रेगुलर एम्प्लॉय के लिए 8 वर्ष के लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव में CBT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल होगा। मात्र दोस्तों 4 स्टेज होनी है, इसके अलावा कोई भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस एक्स्ट्रा नहीं है दोस्तों। पोस्ट नेम, पोस्ट वाइज वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर मैनेजर सिविल की। जी हाँ दोस्तों, सिविल डिपार्टमेंट में जूनियर मैनेजर की पोस्ट रखी गई है 31 दोस्तों। यहाँ पे 31 पोस्टों में दोस्तों जनरल कैटेगरी वालों के लिए 14 पोस्ट हैं, OBC वालों के लिए 8 पोस्ट हैं, SC वालों के लिए 4 पोस्ट हैं, ST वालों के लिए 2 पोस्ट हैं, और EWS वालों के लिए 3 पोस्ट हैं, PWD कैटेगरी वालों के लिए 2 पोस्ट रखी गई हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर करके रखा है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लेट हो सकता है लेकिन दोस्तों कोई भी जानकारी मिस नहीं होगी। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस देन 60%। ये दोस्तों आप काफ़ी डिग्री, जब भी क्वालिफिकेशन देखें दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसमें 60% से यदि कम है तो आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते। बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बेसिक पे की बात कर लें तो 50,000 से 1,60,000 के लिए के बीच में रखा गया। A2 कैटेगरी में आप रहेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें तो A3 टाइप का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। इसके बाद दोस्तों जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD की बात कर लेते हैं दोस्तों, 77 पोस्ट हैं टोटल, 34 जनरल की, OBC की 20, SC की 11, ST की 5, EWS की 7, और यहाँ पे PWD कैटेगरी वालों के लिए 4 पोस्ट रखी गई हैं। इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो दोस्तों 2 ईयर MBA, और ये आप दोस्तों बहुत कुछ लिखा है, मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन। दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल साइट www.thevirlstudy.com की पहली पोस्ट में जाके ये सब पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि 60% से कम नहीं होने चाहिए। यदि आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है तो 60% के साथ तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बेसिक पे वही रखा गया है दोस्तों। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 टाइप का होगा, तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड आप इस के बिना, इसको चेक किए बिना फॉर्म बिल्कुल मत भरिए। यदि आपका मेडिकल अच्छा है तो आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की बात कर लें तो यहाँ पर मात्र 3 पोस्ट रखी गई हैं, जो तीनों जनरल कैटेगरी की हैं। इसमें कोई भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। एक पोस्ट PWD कैटेगरी के लिए है। बैचलर डिग्री इसमें भी चाहिए दोस्तों, बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी इंजीनियरिंग दे रखी हैं दोस्तों। ये आप इस वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमेशा याद रखें, नॉट लेस देन 60% मार्क। यहाँ पे भी दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड A3 टाइप का दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखिए।
दोस्तों इस पोस्ट को आप एक बार ज़रूर खोल के पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव की। यदि एग्जीक्यूटिव सिविल डिपार्टमेंट में बात करें तो 73 पोस्टें रखी गई हैं, जनरल की 32 पोस्टें, ओबीसी की 16 पोस्टें, एससी की 11 पोस्टें, एसटी की 8 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्टें, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की 3 पोस्टें और एक्सेस सर्विस मैन वालों के लिए 9 पोस्टें। इस प्रकार से ये पोस्टों का डिवाइडेशन है। दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो डिप्लोमा है 3 ईयर, यदि आपके पास पॉलिटेक्निक तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। और दोस्तों यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं, लेकिन आपकी डिग्री में 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। दोस्तों बेसिक पे की बात कर लें तो 30,000 से 1,20,000 के बीच में रखा गया। कैटेगरी E0 में रहेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड A3 टाइप का होगा। इसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात कर लें तो 42 पोस्टें, जनरल की 16, ओबीसी की 12, एससी की 6, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 4 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की 2 पोस्टें रखी गई हैं। दोस्तों एक्स सर्विस मैन वाले के लिए 5 पोस्टें। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें भी दोस्तों 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए यदि आपके पास पॉलिटेक्निक है इनमें से कोई भी कैटेगरी में, और 60% के साथ आपने पास कर रखा है तो 60% से अधिक है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बेसिक पे वही रहेगा दोस्तों, E0 कैटेगरी का रहेगी, मेडिकल स्टैंडर्ड A3 का रहेगा। इसके बाद एग्जीक्यूटिव SNT की बात कर लेते हैं दोस्तों, 87 पोस्टें हैं, OBC वालों के लिए 35 पोस्टें हैं, माफ़ कीजिए जनरल वालों के लिए 35 पोस्टें, OBC वालों के लिए 24 पोस्टें, SC वालों के लिए 12 पोस्टें, ST वालों के लिए 8 पोस्टें, EWS वालों के लिए 8 पोस्टें, PWD कैटेगरी के लिए भी 8 पोस्टें रखी गई हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 11 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो दोस्तों 3 ईयर डिप्लोमा, मतलब आपके पास यदि पॉलिटेक्निक है या BE है तो आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आपके पास पॉलिटेक्निक या BE है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बेसिक पे वही है, मेडिकल स्टैंडर्ड A3 टाइप का दिया गया है। अब एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड PD की बात कर लें तो यहाँ पर पोस्टें काफ़ी अच्छी दे रखी हैं दोस्तों, 237 पोस्टें हैं यहाँ पर, जिसमें से जनरल की पोस्टें 96 हैं दोस्तों, OBC की 65 पोस्टें हैं, SC की 36, ST की 17, EWS की 23, PWD कैटेगरी वालों के लिए 10 पोस्टें, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 33 पोस्टें। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन थोड़ी हल्की मांगी गई है दोस्तों, ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस दैन 60% फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, मतलब यहाँ पे आपके पास सिंपली दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आपने BA कर रखा हो, BSc, BCom कुछ भी कर रखा हो, BE, BTech आपने जो भी कर रखा हो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का, जिसमें 237 पोस्ट हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए दोस्तों एक एग्ज़ाम एक्स्ट्रा होगा, CABT दोस्तों, एप्टीट्यूड टेस्ट आपका एक्स्ट्रा होगा, CBT के बाद एक एप्टीट्यूड का टेस्ट एक्स्ट्रा होगा, तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात कर लें तो इसमें मात्र 3 पोस्ट हैं, तीनों जनरल के लिए हैं, क्वालिफिकेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं यदि 60% से अधिक है तो। बेसिक पे मेडिकल स्टैंडर्ड वही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात कर लें तो यहाँ पे 135 पोस्टें हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की हैं, जिसमें से 57 पोस्टें जनरल के लिए और 34 पोस्टें OBC के लिए, SC के लिए 22 पोस्टें, ST के लिए 11 पोस्टें, EWS के लिए 11 पोस्टें, PWD कैटेगरी वालों के लिए 6 पोस्टें और 15 पोस्टें हैं एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से पढ़िए आप, मेट्रिकुलेशन में कम से कम 60% होने चाहिए, मतलब 10th में आप दिए आपके 60 से अधिक परसेंट है तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपके पास होनी चाहिए कम से कम 2 साल की ITI दोस्तों, ये आपकी SCBT से हो या NCBT से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों जो ट्रेडें रखी गई हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, दोस्तों ये ट्रेड हैं दोस्तों, 4 ट्रेड हैं, यदि इनमें से कोई भी ट्रेड है और आपके ITI में भी 60% से अधिक हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 चीज़ें आप ध्यान दीजिए जूनियर एग्जीक्यूटिव में, दोस्तों आपके पास ITI 60% से अधिक हो, 10th 60% से अधिक हो, और साथ में जो दोस्तों आपने ITI कर रखी है वो कम से कम 2 साल की होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें से किसी एक में होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों बेसिक पे की बात कर लें तो यहाँ पे दोस्तों 25,000 से 68,000 कैटेगरी रखी गई है, N5 मेडिकल स्टैंडर्ड है यहाँ पे A2 टाइप का। अब दोस्तों अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं, ये भी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे SNT डिपार्टमेंट में जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली, और दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्टों की संख्या की बात कर लें तो 147 पोस्टें हैं दोस्तों यहाँ पे टोटल। अब कैटेगरी वाइज इनका डिवाइडेशन करें तो दोस्तों
जनरल में 62 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 37 पोस्ट हैं, एससी के लिए 23 पोस्ट हैं, एसटी वालों के लिए 12 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 13 पोस्ट हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए 7 पोस्ट हैं और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 18 पोस्ट हैं। इस प्रकार से इन पोस्टों का डिवाइडेशन है दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको याद रखना है कि 10वीं में कम से कम आपके 60% से अधिक होने चाहिए, साथ में दोस्तों 2 वर्ष का मतलब मिनिमम 2 वर्ष का या उससे ज़्यादा का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। SCBT हुए NCBT वो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपने अप्रेंटिस कर रखी है तब भी चलेगा दोस्तों। इसमें दोस्तों ट्रेड की बात कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, TV एंड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, कंप्यूटर नॉलेज, डाटा वर्किंग। तो दोस्तों इनमें से यदि आपकी कोई भी ट्रेड है और 2 साल से अधिक की ट्रेड है दोस्तों, 60% से अधिक आपके ITI में बने हुए हैं दोस्तों और 10वीं में 60% से अधिक हैं, तो आप ये जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, बेसिक वे वही रहेगा दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें तो यहाँ पे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है दोस्तों। इन बातों का आप मेडिकल स्टैंडर्ड का ज़रूर ध्यान दें दोस्तों फॉर्म भरने से पहले। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं टोटल 225 रखी गए हैं। जनरल की 90 पोस्ट हैं, OBC की 61 पोस्ट हैं, SC कैटेगरी के लिए 34 पोस्ट हैं, ST वालों के लिए 17, EWS वालों के लिए 23, PWD कैटेगरी वालों के लिए 9 पोस्ट हैं और एक्स सर्विस वालों के लिए 33 पोस्ट हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन मिनिमम 60% के साथ, वही 10वीं में कम से कम 60% होने चाहिए, प्लस 2 साल का ITI कोर्स होने चाहिए दोस्तों। अप्रेंटिस हुए, ITI हो, SCBT से हुए, NCBT से यहाँ पे दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने ऊपर वाले कोई भी ट्रेड आपने नहीं कर रखी तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड हो आपकी, बस उसमें 60% से अधिक हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। तो दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट, यदि आपने सिर्फ ITI कर रखी है 2 साल की, कोई भी यदि ऊपर जो ITI मैंने बताई उनमें से नहीं कर रखी, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ये सभी मतलब इसमें काफ़ी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपने ITI नहीं कर रखी तो यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी उसमें दोस्तों, चाहे आपने BA, BSc, BCom कुछ भी कर रखा हो दोस्तों, आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन होगी तो भी आप जूनियर एग्जीक्यूटिव OP एंड BD के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बेसिक पे वही है दोस्तों, N5 कैटेगरी है। मेडिकल की बात कर लें तो यहाँ पर दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड में आप A2 कैटेगरी का मेडिकल मांगा गया है। इन बातों का जरूर ध्यान दें दोस्तों, मैं कई बार बोल चुका हूँ दोस्तों। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात कर लें तो यहाँ पर पोस्टें काफ़ी कम है, 14 पोस्ट हैं, जिनमें से जनरल के 8 पोस्ट हैं, OBC की 3 पोस्ट हैं, SC के लिए 1, ST के लिए 1, PWS के लिए 1, PWD कैटेगरी वालों के लिए 1 पोस्ट रखी गई है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 2 पोस्ट रखी गई हैं दोस्तों। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो वही 10वीं के साथ ITI, 10वीं 60% के साथ होनी चाहिए, प्लस ITI होनी चाहिए, 2 वर्ष की, अप्रेंटिस भी हो सकती है SCBT से, NCBT से। और ट्रेडों की बात कर लें तो दोस्तों यदि आपने फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रखी है और 60% से अधिक हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। चूंकि वीडियो में काफ़ी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसके बाद आपके मन में जो भी डाउट रह जाए दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो मैं बहुत ही जल्द बनाऊंगा, उसमें आपके जो भी बाकी डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ कमेंट के डाउट भी आपको उठा के अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, अब कंटिन्यू आने वाली है और अपन इसकी स्टडी भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा गया। तो फाइनली दोस्तों ये इस प्रकार से नोटिफिकेशन था, पोस्ट वाइज डिवाइडेशन था। मैंने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करी है दोस्तों, जितनी आप लोगों तक पहुँच चुकी होगी उसके लिए ठीक है। और दोस्तों यदि जो जानकारी आपसे मिस हो रही है, मैं बता नहीं पाया, आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अभी लाइक कर दो। और ये DFC सेल के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो यार दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल साइट www.thebharatlistedy.com विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में DFC सेल शुरू से लेकर अंत तक में जा सकते हैं, हर जानकारी आपको DFC सेल के बारे में मिल जाएगी दोस्तों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यदि आपको इसका डाउनलोड करना है तो दोस्तों यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्लिक हेयर पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, वहीं से आप आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में ही आप अप्लाई की लिंक दे रखिए, अप्लाई क्लिक हेयर पर अप्लाई करके क्लिक कर सकते हैं, ऑफिशियल साइट पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, कोई फेक भर्ती नहीं है दोस्तों। सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस काफ़ी अच्छा है, इसके अगले वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे दोस्तों सिलेबस के बारे में, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्कशन करने से वीडियो बड़ा हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू जानकारी के साथ, एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए दोस्तों और कोरोना में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, DFC सेल ने सुनहरा अवसर दिया है। और दोस्तों इस वीडियो के बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करिए, अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू।